दोस्तों नमस्कार, बीएसटीसी संघर्ष समिति आपके समक्ष हाजिर है। और जैसा कि आपको पता है, कल हमने जो वीडियो बनाया था उसके रिगार्डिंग कुछ भाइयों के हमारे पास फोन कॉल्स है, तो उन्होंने जाना कि किस प्रकार जो कलेक्शन किया जा रहा है, क्या दोबारा फिर से देना पड़ेगा और ये पैसा कहाँ लगेगा, कैसे क्या लगेगा। तो उन सब बातों को लेकर आज संक्षिप्त में फिर से जानकारी दी जा रही है। दोस्तों आपसे पर कैंडिडेट हमने 2000 रुपए के लिए रखा है, वो इसलिए रखा है कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि यहां से केस फ्री होने के बाद में तुरंत सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा आपको पता है, तो हमें वहां पे तुरंत हाजिर होना है। जो भी एडवोकेट सर बढ़िया टीम है उनके साथ, तो इसलिए इसके बाद आपको कोई पैसा नहीं देना है। जो भी भाई दे वो कम से कम 2000 रुपए हमने इसीलिए रखे हैं, क्योंकि बार बार हमारे पास में समय नहीं होता है, क्योंकि हमारे एक दो दिन बीच में खराब होते हैं, एडवोकेट सर फिर अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते और हमारा केस हो सकता है ढीला पड़ जाए, तो इसलिए हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते। ये तो बात क्लियर है, 2000 रुपए ही है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। और हम आपसे कलेक्शन से संबंधित जो भी बात हमने रखी है, विकास जी बेनीवाल को आप 2000 रुपए का स्क्रीनशॉट उनके पर्सनल नंबर पर, अपने टेलीग्राम में है वो बीएसटीसी अर्जेंट ग्रुप सीनियर एडवोकेट ग्रुप में, विकास जी बेनीवाल से आप संपर्क कर लेना, उनके पास में स्क्रीनशॉट भेजकर वो आपकी लिस्ट बना रहे हैं। और वो लिस्ट इसलिए बना रहे हैं, जो भी पैसा बचेगा बाय द वे वो आपको उसी नंबर पर आपसे कॉन्टेक्ट करके और वापस सेंड कर दिया जाएगा यदि पैसा बचता है तो। हमारा उद्देश्य दोस्तों केवल बीएसटीसी को बचाना है, और इसी उद्देश्य हेतु हम लगातार अपने कर्म पर अड़िग हैं और हम एक कर्मठ एक जुझारू बन करके यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको ये बात रख दी है, इसके बाद आपको पता है दोस्तों कि हम किस उद्देश्य से आए हैं, ये आप सभी जानते हो। हमारा उद्देश्य क्या था, बीएसटीसी को बचाना, और हमारा यही उद्देश्य रहना चाहिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी इसी उद्देश्य पर बना है, ना कि कोई और उद्देश्य को बीच में लाए आप, उससे आप न भटके। दोस्तों लेवल टू की जो बात चले, लेवल टू एसआई की पेपर आउट की बात को लेकर के, तो उसके लिए जिसको भी जो भी धरने में आना है, जिसका भी जो उनको बुरा लगा कि वास्तव में पेपर आउट हुआ, तो बिल्कुल आए और उसका आप उसमें शामिल हो, जो भी उसके लिए प्रोटेस्ट है उसमें आप आइए। लेकिन ये है हमारा तो कर्म बीएसटीसी को बचाना है, हमारा तो ये उद्देश्य। अब ये थोड़े बीच में हम कोई दूसरा पॉइंट लेकर के आएंगे, ये बात है। तो दोस्तों केवल और केवल हमारा एक ही उद्देश्य है और हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए जिस भाई को भी आपत्ति बिल्कुल पेपर आउट हुआ है, लेवल टू एसआई की वास्तव में बात चल रही है, तो आप निश्चित रूप से धरने में शामिल हो और अपनी बात को वहां पे रख सकते हैं। तीसरी जो बात है दोस्तों, कल भी हम एडवोकेट सर से मिले, कल रात को 11:30 बजे हम वहां से आए थे, आज हम फिर से उनसे मिले हैं। एडवोकेट सर द्वारा जो भी हमें काम दिया जा रहा है, हम उसे तत्परता से बखूबी हम पूरा कर रहे हैं, लगातार हम अभी भी वहीं से आ रहे हैं। एडवोकेट सर हमें लगातार बिजी रख रहे हैं और आगे आने वाले समय में लगातार बिजी रखेंगे। हमें चाहे अजमेर जाना पड़े, चाहे बीकानेर जाना पड़े, कहीं पे भी जाना पड़े, हमें जाना पड़ सकता है और लगातार बिजी रहेंगे। अब इसके रिगार्डिंग हम एक बात आपसे करना चाहते हैं। दोस्तों आपको पता है हम जो भी सदस्य हैं लगातार कभी भी सुशील जी इधर उधर भगे रहते हैं, कभी कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से लेके आना है, कभी कहां पे इधर से ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स करते रहते हैं, इनको जो भी काम बताया जाता है वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी निकालना हो आरटीआई के द्वारा चाहे कैसे भी, ये उसका पूरा वो करते हैं। इस तरह हम लगातार क्या बिजी रहते हैं, आपके जो भी दिन भर में कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, 50, 60, 100 कॉल जो भी आ जाते हैं, हो सकता है हम उनमें से 10 कॉल ही ले पाए, तो इसमें आपको बुरा मानने की दोस्तों कोई बात नहीं है। आपको ये सोच लेना चाहिए कि शायद वो बिजी होंगे, तो आपको हम एक काम बता रहे हैं, आपके जो भी सवाल हो आप टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है बीएसटीसी अर्जेंट ग्रुप सीनियर एडवोकेट नाम से, आप इसमें सारे सवाल रख दे दिन भर के, चाहे वो किसी भी समस्या से संबंधित हो, लेकिन होना अपना ये मैटर ही चाहिए बस, बीएसटीसी बीएड मैटर। मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या कोई दूसरी हो, विषय यही होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी समस्या उसको आप रखें। सारे दिन हम शाम को आकर के चेक करेंगे, जैसा कि हम अभी फ्री हुए हैं एडवोकेट सर से, ऐसे ही आकर के हम चेक करेंगे, फिर आपको उन सारे सवालों के जवाब उसी वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होगी उनका आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, किसी भी समस्या से संबंधित विषय यही होना चाहिए। ये आपको बात क्लियर कर दी है, क्योंकि कुछ भाई कहते हैं हमारा जवाब नहीं दिया, ऐसा तो बुरा मानने की दोस्तों कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके अपने हित के लिए तो यहाँ आए हैं, हमारा हितार्थ यही है बीएसटीसी बचाना। तो दोस्तों इसके लिए आपको बुरा मानने की कोई बात नहीं है।
दूसरा है, कुछ भाई बोल रहे थे कि जैसे कल आपने नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ बताया कि थोड़ा अंदाजा टीएसपी का भी दे दिया जाए, तो दोस्तों टीएसपी का जो कट ऑफ है लेवल है जैसे अब लगभग जैसे पिछली बार दोस्तों आपको पता हो टीएसपी का पिछली बार 90 पे ओवरऑल था 2018 वाली बात है, लेकिन जैसे अगर पेपर कुछ सरल की बात करें तो मेरे ख्याल में 10 नंबर प्लस कर लेना चाहिए आपको, ये तो मिनिमम है, यानी कि ये है कि 100 नंबर से ज्यादा तो आपकी नहीं जाएगी, इतने तक आप सुरक्षित है, इसमें कोई आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, टीएसपी जनरल की, टीएसपी जनरल 100 नंबर सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एसटी एससी तो आप लगा सकते हो, एसटी की तो क्वालीफाई वो 36% पे करते हैं, बाकी और एससी ओबीसी जो कैटेगरी वो 90% पर करते हैं, तो इतना उनका स्कोर होना चाहिए, ओबीसी का वहां पे 94, 95, 96 के करीब, बाकी जनरल 100 नंबर पर वहां सुरक्षित है टीएसपी के लिए। बाकी नॉन टीएसपी कल हमने बता दी थी, उसके उसको मद्देनजर रखते हुए आप इसमें सहायता करें। और दोस्तों एक बात ये है कि जैसे कट ऑफ बताई 108 के ऊपर सबको सहायता करनी है, तो जरूरी थोड़ी 108 से ऊपर करें, ये तो कम से कम है, बाकी 106 वाला 105 वाला जिसके आ रहे हो अगर वो मदद कर ले तो उनके लिए भी तो आगे का रास्ता खुलेगा, अगली भर्ती के लिए भी तो आप वो रहोगे, फिर आपका काम आसान बन जाएगा, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपकी समस्या का भी सॉल्यूशन हो रहा है, ये नहीं कि इसी भर्ती वालों की हो रहा है, आर पार बीएसटीसी की डिग्री बची रहेगी और बीएसटीसी पात्र रहेगी लेवल उनमें, इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, हमें थोड़े केवल इस भर्ती के लिए कर रहे हैं, हम तो इस कानून को रद्द करवाना चाह रहे हैं, और आप सोच रहे हो अपनी भर्ती की, अपनी भर्ती के लिए आगे आने वाले जो भी भाई है हर पीएचडीसी जो भी कर रहा है उसके लिए कि उसका जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर रहे कि वो लेवल वन में ही जाएगा, लेवल वन उसके लिए है, बस केवल ये ही बात है और कोई बात। बाकी सर जो भी आपके सवाल जवाब है आप टेलीग्राम पर लिखते रहिए सारे दिन, हम शाम को देख करके आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दे देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। कोई कॉल अटेंड नहीं कर पाए कुछ नहीं, ये कभी हमारा फोन स्विच ऑफ, क्योंकि जब हम ज्यादा बिजी रहते हैं दोस्तों कई बार एडवोकेट सर के पास बैठे रहते हैं तो हमें स्विच ऑफ करना पड़ता है, कभी किसका फोन अकाउंट नंबर। एक प्रत्येक जिले से एक बात बता देता हूँ कि कई जिलों से हमारे पास में फोन कॉल आए कि हम पैसे का कलेक्शन कर ले, हम 10-15 मेंबर, हम 20 मेंबर है। दोस्तों बिल्कुल ये सही बात है, आप एकजुट रहिए, लेकिन ये ध्यान रखना अकाउंट नंबर एक ही होना चाहिए। तो मैं उन अभ्यर्थियों से ये कहना चाहता हूँ जो पेमेंट करता है, यदि वो भाई ये कहता है कि आप मेरे अकाउंट में कर दो अर्थात उनके अकाउंट में कर दो, तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, चाहे मेरे कितने भी निकट हो, चाहे आपको विश्वास दिलाए कि सचिन हमारी टीम में है, आपको वो बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि ऐसा धोखा हमारे पास हो चुका है कई जिलों में। पिछली बार ऐसा हुआ कि सचिन हमारे टीम में और उन्होंने कलेक्शन किया और बाद में उन्होंने एक रुपया में नहीं दिया है, और चाहे मैं सुशील जी के लिए क्यों न कहूं, चाहे मैं इनके लिए क्यों न कहूं, अगर ये भी कहें कि हमारे पास कर दो आप तो भी आपको नहीं करना है अकाउंट नंबर, क्योंकि रखा ही एक है 9460003002 सचिन नेम से, इसके ये आपके फायदेमंद के लिए बात है, एक ही नंबर पर करोगे हम आपको पूरा हिसाब भी दे देंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर हमें, और हिसाब देने में कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कुछ भाई आपसे कोई मिलने आता है यार कि मैं इस तरह से उनके समिति का सदस्य हूं और आप मेरे पास पैसे करो, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना दोस्तों, उससे पहले आप सुंदर समिति के पास में कॉल करके जानकारी ले लें क्या ये तुम्हारा सदस्य है, और पेमेंट तो फिर आपको बिना सोचे हमारे पास ही करना है, पेमेंट के लिए तो आप किसी से पूछे ही नहीं, केवल सचिन शर्मा बस वो ही पेमेंट जाएगा, अन्यथा आपका पूरा पैसा बेकार जाएगा दोस्तों, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, हम नहीं होंगे, बाद में ये मत कहना। जैसे अभी पिछले गत दिनों में 3-4 महीनों के कई लड़कों ने आना अलग जगह पेमेंट कर दिया था, बाद में उन्होंने स्क्रीनशॉट डाले कि हमने तो भाई उनके पास भेज दिया था, मैंने कहा आप लो आप जानो आपका काम जानो, हम आपको फिर से सचेत कर रहे हैं, बार बार आपको फिर से टोक रहे हैं, ऐसे ही बार बार हमने पहले कहा था, लेकिन जिन भाइयों ने नहीं माना उन्होंने पेमेंट गलत जगह किया और उनका पैसा बेकार गया, जब उन्होंने पैसा वापस मांगा तो उनका फोन स्विच ऑफ कर दिया गया। तो दोस्तों ये काम यहाँ नहीं होगा, यहाँ केवल एक ही बात है बीएसटीसी बचाना, कैसे भी बचाना, किसी भी रणनीति से बचाना, कहीं पे भी जाना बस के माध्यम से जाना है हमको, बिल्कुल सादा बन करके, ये नहीं है कि हमें कोई इस तरह से एक वीआईपी बन करके जाना है दोस्तों, ऐसा कोई वीडियो हम आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस बात यही है। कोई भी असामाजिक तत्व तो आप उनको संभालें, उनको जवाब दें, सारा कुछ आप सवाल डायरेक्टली ग्रुप में रखो, जो भी अपने मेंबर है 26,000-30,000 उनके बीच में रखो ना आपके सवाल, ताकि वो सवाल सबके सामने जाएंगे, हम तो ये कहते हैं आप व्यक्तिगत पूछते क्यों, आप तो सारी बातें क्लियरली ग्रुप के सामने रखो,
क्योंकि हम में से कोई बेईमान है नहीं और हमें से बेईमान नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे सारे सवाल सभी मेंबरों के सामने रखो ना, आपको वीडियो के माध्यम से जवाब मिलेगा, उसको सारा हिसाब आपको दिया जाएगा, सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। यदि बाय द वे आपका पैसा बचता है तो आपको फिर से लौटाया जाएगा। इसीलिए विकास जी बेनीवाल को आप पर्सनली स्क्रीन शॉट उपलब्ध कराएं और उनसे कहें ये मेरा नाम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ताकि वो आपका रिकॉर्ड जारी रखेंगे, लिखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे आपकी सारी जो भी है। तो हम आपको इस तरह से क्लियरिटी रखना हम खुद चाह रहे हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की बाधा का आपको सामना नहीं करना। मेरे मोबाइल नंबर जो अकाउंट नंबर वही ना, वो तो मैंने बोल दिया 9460003002, ये ही है मेरे अकाउंट में गूगल पे फोन पे पेटीएम अमेजन पे जो है वो यही है। रमेश जी रूयल यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसी के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। प्रत्येक न्यूज आपको मिलेगी, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बात यह है जो भी हो, चाहे वो हिसाब को लेकर कोई भी समस्या, कोई भी आपके डाउट फुल हो, वो आप टेलीग्राम ग्रुप में रखो। लेकिन ऐसी कोई न्यूज हो जिसे हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बातें गोपनीय होती है, वो गोपनीय पैसों को लेकर नहीं है। पैसों के लेकर तो हम आपको हर बात का जवाब देंगे, पैसों से तो कोई गोपनीय होता ही नहीं है दोस्तों, पैसों को तो हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन कुछ जैसे कई भाई पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है, उन एडवोकेट ने क्या कहा, उनका क्या रोल है, इस तरह से, तो ये कुछ बातें गुप्त गोपनीय होती है, इनको गोपनीय रखना भी जरूरी है। पिछली बार ऐसी कुछ गलतियां हो गई थी तो प्रतिपक्ष के पास में वो मैटर चला जाता है तो हमारा केस ढीला पड़ जाता है। तो इस बातों को, इन बातों को तो आप समझते हो क्या, तो बात यही है। बाकी जो भी है आपकी समस्या, हाँ ये जो 6 तारीख आ रही है इस तक, ये 6 अक्टूबर तक हम केस को लिस्टेड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एडवोकेट सर की जैसे आज भी हमने उनको किया तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख तक पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब वैसे तो हम लगातार अब आगे आने वाले 2-3 दिन लगातार बिजी रहेंगे, हाईकोर्ट भी जाके आए थे आप, और लिस्टेड हमें कैसे भी करके 6 तारीख तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम काम कर रहे हैं। यहाँ की तरफ से आपको बिल्कुल भी वरीड होने की आवश्यकता नहीं, सवाल जवाब हमने आपको बोल दिया, रोजाना चाहे वीडियो बनाना पड़े हम आपका प्रत्येक सवाल का जवाब देंगे। कोई कॉल अटेंड नहीं कर पाए तो दोस्तों आपको बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि काम भी तो करते हैं ना, ये तो आप समझते हो, अगर बिजी रहे कई बार स्टॉप भी रखना पड़ता है। तो दोस्तों इसी उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं और इस उद्देश्य को पूरा करेंगे। हाँ हमें हमारा लक्ष्य मिलना चाहिए बस, जो अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए बस, उसके लिए हम अड़ी गए, उसके लिए हम कर्मठ हैं, उसके लिए हम जुझारू हैं, डोंट वरी बस। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बाकी जो भी आपकी है समय समय पर आपका अवगत कराया जाएगा। कुछ आज भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने अवेलेबल करवाए डॉक्टर सर को, वास्तव में उसमें अपना बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, इसीलिए हमें शक्ति मिलती है उन डॉक्यूमेंट्सों से दोस्तों। हमको एक रुचि पैदा होती है कि वास्तव में अपने फेवर में क्या क्या हो रहा है, तो उन सब बातों की जानकारी हम नहीं दे सकते आपको। हम जैसे भी एड जो भी जिस भी स्टेट से हमको जो भी प्रूफ मिलता है, जो भी एविडेंस मिलता है, हम उसमें नहीं चूकते हैं, कैसे भी करके हम उनका पूरा स्टडी, एडवोकेट सर को पूरी स्टडी कराते हैं, सारा काम है, सारा काम हमारे ऊपर, हम फाइलिंग उनको कैसे एडजस्टमेंट करना, सर एडवोकेट सर हमें बिजी रखते हैं ऐसी कोई बात, तो इसलिए हम कह रहे हैं आगे आने वाले समय में लगातार बिजी रहेंगे। तो प्लीज आप ज्यादा कॉल मैसेज करके आप ये सोच लें कि यार वो बिजी होंगे इसलिए हम उठा नहीं पाते, जवाब नहीं दे पाते। हाँ जो भी आपकी क्वेरीज है आप टेलीग्राम में ग्रुप में आप रख सकते हैं, शाम को आपको जवाब दे दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।